आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट की कमीशन लिस्ट के बारे में। दोस्तों, फिनो पेमेंट की कमीशन 2020 की लिस्ट आ चुकी है, उसमें से कमीशन आप कितना कितने परसेंट कौन से मिलेगा पूरी जानकारी इसमें बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको दो वीडियो बना के डाल चुका हूँ फिनो पेमेंट के बारे में। एक था फिनो पेमेंट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, उस पर एक है फिनो पेमेंट सी एफ सी कैसे ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे वीडियो में चले जाइए, आपको वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी। तो आपको वीडियो की प्ले लिस्ट है बैंकिंग की प्ले लिस्ट, उस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो हम जानेंगे फिनो पेमेंट कमीशन लिस्ट के बारे में, आपको अकाउंट ओपन करने में कितना कमीशन मिलता है, पेमेंट करने में कितना कमीशन मिलता है, ट्रांजैक्शन करने में कितना कमीशन मिलता है, पूरे कमीशन के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें फिनो पेमेंट बैंकिंग सर्विस कौन कौन से मिलती है, यानी कौन कौन सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ऐसे कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको फास्टैग की भी सुविधा मिल जाती है, EPS एंड मिनी ATM कार्ड मिल जाता है, यानी कार्ड स्वाइप मशीन जो आती है आप उसका भी यहाँ से आपको सुविधा मिल जाती है। आपके यहाँ से मनी ट्रांसफर करने की सुविधा मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल पे करने की सुविधा मिल जाती है, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड संबंधित जितने भी आपको यहाँ से स्कीम रहती है पूरे यहाँ से इतने चीज़ आपको करने की सुविधा मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपके अकाउंट ओपनिंग में कितना कमीशन मिलता है। तो आपको पर अकाउंट ₹35 का कमीशन मिलता है, नहीं अगर आप एक अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको इसमें से ₹35 का आपको कमीशन मिलता है। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं AEPS कमीशन के बारे में। तो अगर आप AEPS अकाउंट से ₹1000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ₹1.60 का कमीशन मिलता है। अगर आप दोस्तों 2000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ₹3.20 का कमीशन मिलता है। अगर आप 3000 का कमीशन करते हैं तो ₹4.80 का कमीशन मिलता है, लेकिन अगर आप 4000 का करते हैं तो आपको ऐसे ₹5 का कमीशन मिलता है। तो ये दोस्तों यह था AEPS कमीशन लिस्ट थी। अब इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से ATM ट्रांजेक्शन करने में कितने कमीशन मिलता है। दोस्तों आप AEPS अकाउंट से अच्छा आपको इसमें कमीशन मिल जाता है। अगर आप 1000 करते हैं तो आपको ₹1.80 कमीशन मिलता है, और 2000 का करते हैं तो आपको ₹3.60 कमीशन मिलता है। अगर आप ₹3 का करते हैं तो ₹5.40 कमीशन मिलता है, 4000 का करते हैं तो ₹7.20 कमीशन मिलता है, और 5000 का करते हैं आपको ऐसे तो ₹9 का कमीशन मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसी कमीशन लिस्ट ATM से अगर आप यहाँ से ट्रांजेक्शन करते हैं तो। अब इसके बाद हम यहाँ से इंश्योरेंस कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें से आपको कितने ऑप्शन मिले, एक हॉस्पिटल का दिया गया है, दूसरा फैमिली प्लॉटर है, यहाँ से शुभ रक्षा लाइफ है, यहाँ से फिर डेंगू से संबंधित है, फिर अब टू व्हीलर के यहाँ से अब इंश्योरेंस के बारे में। तो मैं पूरी जानकारी एक एक करके देता हूँ। सबसे पहले बात करें दोस्तों हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में अगर आप 400 का प्रीमियम लेते हैं तो आपको यहाँ से 1 से 3 पॉलिसी का ₹60 मिलता है, 4 से 10 पॉलिसी का ₹71 मिलेगा, और यहाँ से 10 से अगर ऊपर रहता है आपको ₹93 का यहाँ से पॉलिसी मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन फीस 1.42 रुपीज का रहता है। अगर दोस्त बात कर लेते हैं फैमिली फ्लोटर्स के बारे में, तो ₹2950 का प्रीमियम आपका रहता है तो ₹275 मिलेगा यहाँ से 3 पॉलिसीज के बारे में, यहाँ से इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं फिर यहाँ से शुभ रक्षा लाइफ के बारे में। शुभ रक्षा लाइफ का हम देख सकते हैं, अगर 3000 का आपको प्रीमियम लेता है तो 396 रुपये का मिलेगा, और 4 से 10 के लेता है 450 का मिलेगा आपको, यहाँ से 11 से अगर अधिक के लेते हैं पॉलिसी तो आपको यहाँ से ₹585 का आपको इनसे मिलेगा कमीशन। फिर उसके बाद दोस्तों अगर 4000 कोई प्रीमियम लेता है, उसके बाद आप 1 से 3 तक का KYC करवाते हैं तो आपको ₹528, और 4 से 10 करवाते हैं ₹600, अगर 11 से आप 10 से ऊपर यानी 11 से कराते हैं तो आपको ₹780 का यहाँ से कमीशन मिलता है। फिर इसके बाद डेंगू एंड मलेरिया के बारे में बात करें तो अगर वही ₹49 का प्रीमियम लेता है तो उसे अगर 1 से 3 पॉलिसी कराएंगे तो आपको ₹8 का कमीशन मिलता है, 4 से 10 कराएंगे तो आपको ऐसे ₹10 का मिलेगा, 11 से अगर ऊपर कराए तो आपको ऐसे ₹12 का कमीशन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है टू व्हीलर कमीशन की, तो 23% का ओडी प्रीमियम आपको यहाँ से मिल जाता है, 23% मिलता है ओडी प्रीमियम में, 25% भी मिलेगा ओडी प्रीमियम में अगर यहाँ से 4 से 10 कराते हैं तो 30% मिलेगा आपको यहाँ से ओडी प्रीमियम अगर 11 से ऊपर आप कमीशन कराते हैं तो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अगर अदर सर्विस कौन कौन से आपको डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो आपके यहाँ से कोरियर की सर्विस प्रोवाइड की जाती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। रिचार्ज पे आपको 3% का कमीशन यहाँ से दिया जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल में 0.55% कमीशन दिया जाता है, यानी आप ₹100 का बिल पे करेंगे तो आपको 55 पैसे का कमीशन मिलेगा इसमें। और दोस्तों कुछ सर्विस हैं जो आपको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं इसके क्या कॉस्टिंग के बारे में। तो अगर ₹2020 का आप यहाँ से इसका ऑफर चला, अगर कॉस्टिंग लेते हैं जिसमें आपको 3 बैनर मिलेंगे, 3 रजिस्टर मिलेंगे, फिनो रिटेलर की आईडी मिलेगी आपको, कंप्लीट आपको यहाँ से ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों यहाँ से कंप्लीट आपको फिनो पेमेंट और उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें आपको कोरियर की भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, रिचार्ज करने पर 3% का कमीशन भी दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर 0.55% का कमीशन दिया जाता है। दोस्तों बैनर और रजिस्टर आईडी इसमें आपको फिनो पेमेंट बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा।
तो फ्रेंड यही थी कमीशन लिस्ट जो 2020 में जो लागू की थी फिनो पेमेंट बैंक द्वारा। मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दे दिया है। मैंने इस वीडियो में आपको भी बता दिया अगर इसकी सी पे साइड ले तब इसमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने को मिलती है, यानी कौन कौन सर्विस आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा और आप उनको फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक किस और पर क्लिक कीजिएगा जिसको जितने भी यूज पर नौजवान कंटेंट के लिए रोजाना रहता रहता हूँ सब लोग आप तक पहुँचता रहेगा। मैं जल्द मिलूंगा नए वीडियो नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।